आज हम लोग बनाएंगे अंडा करी। आपको जब कुछ समझ नहीं आए तो आप इस तरह से अंडा करी को बना सकते हैं और बिल्कुल बनाना आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो चलिए बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक पैन लिया है जिसमें 2 चम्मच ऑयल मैंने डाल दिया है। ये सरसों ऑयल है और ये इस तरीके से मैंने बॉयल अंडा लिया है और इसे इस तरह से फोक से मैंने इसे होल्ड करते हुए इसे इस तरह से कर दिया है, ताकि इस तरह से करने से होता है क्या है कि मसाला जो है एब्जॉर्ब बढ़िया से होगा। इस तरीके से मैंने सारे अंडे को इस तरह से फोक से प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से होल कर लिया है और इसी में अब डाल देंगे थोड़ा सा इसे फ्राई करने के लिए। और अब इसमें थोड़ा सा 1 पिंच जो है हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे, ताकि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा, एक का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा 2 पिंच इसमें नमक भी ऐड करेंगे। इससे जो है कलर और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। और इस तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे, दोनों चीज़ मिला करके इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आने तक इसे कुक करना है। इसे फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। इसे इस तरीके से देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। और अब इस स्टेज पे इसे निकाल लेंगे। सारे अंडे को आपको जितने भी अंडे बनाने हैं इस तरीके से करके आप निकाल लें। अब उसी पैन में मैंने 3 चम्मच भर करके ऑयल डाला है, इसमें सरसों ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। और अब इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ा सा सीज़र हो जाए। उसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे, छोटी इलायची है, लौंग है और दालचीनी है, अपने अकॉर्डिंग आप गरम मसाला कम या बेसी कर सकते हैं। इसमें डाल करके थोड़ा सा सीज़र होने दें। और अब बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसे रफली चॉप कर लिया था, और अब इसमें डाल देंगे, एक अच्छा सा कलर आने देंगे, इसे बढ़िया सा कलर आ जाएगा तभी उसी स्टेज पे थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। उसी स्टेज पे मैंने हरी मिर्च मैंने ऐड किया है, मैंने एक हरी मिर्च मैंने लिया है और इसे चॉप करके इसमें डाल दिया है। और अब इसी स्टेज पर अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है, इसमें डाल करके अच्छे से इसे इसकी भुनाई कर लेंगे, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तभी मैंने 1 चम्मच मैंने पानी डाला है, ताकि जब मसाला डालेंगे तो वो जलेगा नहीं। अब यहाँ पर मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर इसमें डालेंगे और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे से पानी डालने से होता है क्या, बढ़िया से भुनाई हो जाएगा, वो मसाला जलेगा नहीं, कुछ भी नहीं। और अब जब ये मसाला भुना जाएगा तभी यहाँ पर टमाटर ऐड कर लेंगे। 2 टमाटर मैंने यहाँ पर रफली चॉप करके यहाँ पर लिया है। आप चाहे तो इसकी प्यूरी भी बना करके इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने डाला है और इसे अच्छे मैश करते हुए इसमें इसे कुक करेंगे। कुक करने के लिए आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नमक ऐड कर लें, मैंने 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और इसे अच्छे से मैश करते हुए इसे कुक कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छा सा ये मैशी हो गया है, टमाटर भी बिल्कुल गल गया है और मसाला भी बिल्कुल भुना गया है। तो इस स्टेज पे कसूरी मेथी 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इस तरीके से आप मिक्स कर लें और अच्छे से इसे भून लें। अब यहाँ पर देखिए एक सीक्रेट मैंने चीज़ लिया है, ये है बेसन। बेसन ये कच्चा है, भुना हुआ नहीं है। इसमें 1 चम्मच आप डाल दें और अच्छे से इसकी भुनाई कर लें मसालों के साथ। बहुत ही बढ़िया ग्रेवी इसका तैयार होता है। इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी भी बनेगी और ग्रेवी बहुत ही बढ़िया थिक बनेगी। इस तरीके से अगर आप अंडा के जगह पर कुछ और भी वेजिटेबल अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रोकली है आप इस तरीके से बना सकते हैं, गोभी है इस तरीके से बना सकते हैं, कुछ भी आप वेजिटेबल आपको जो भी पसंद है, लौकी है इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएं, बहुत बढ़िया ग्रेवी बनेगी। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पानी ऐड कर लें और अब सारे पीसेस अंडे के जो है वो इसमें डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर लें, ताकि ग्रेवी जो है अंडे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे पकाएँगे अच्छे से, 2 से 3 मिनट इसे भी पकाएँगे अच्छे से। और ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें फाइनली जो है अब धनिया की पत्ती भी इसमें ऐड करेंगे। लेकिन अभी ग्रेवी देखें आप इस तरीके से, देखिए बहुत ही बढ़िया थिक है, बहुत ही अच्छा ग्रेवी बनी है। अपने अकॉर्डिंग आप इसकी ग्रेवी रख सकते हैं, आपको जितना पसंद है इस तरीके से आप बनाएं, बहुत ही बढ़िया लगता है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर से बनाएं। इस तरह से अगर अंडा करी आप बनाएंगे तो आप सभी लोग उंगलियाँ चाट करके खाएँगे। इस तरीके से बनाएं अंडा करी, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बढ़िया बनती है ये। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब
ज़रूर से करें, सब्सक्राइब फ्री है भाई, तो कर ले ज़रूर से। देख सकते हैं आप इसका कलर, इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया है ये, देख सकते हैं आप। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।